नियमित तौर पे इंटरनेट चलाने वाले जानते हैं कि वहाँ सिर्फ अच्छी चीजें नहीं होती, कभी कभी तो ऐसी विचित्र चीजें आपको देखने को मिलती हैं जिन्हें समझना या समझाना लगभग नामुमकिन होता है। पेश हैं इंटरनेट के कुछ सबसे पेचीदा रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। नंबर एक, फेन का सोना। ये किस्सा तो बिल्कुल किसी क्लासिक ट्रेजर हंट जैसा है, बस फर्क इतना है कि कोई भी इस खोज को जिंदा रहते पूरी नहीं कर पाया और ना ही शायद कभी कर पाए। किस्से की शुरुआत होती है 87 वर्षीय करोड़पति फॉरेस्ट फेन से। फेन ने अपनी दौलत नेटिव या मूल अमेरिकी कलाकृतियों को इकट्ठा करके बनाई थी, जैसे कि वे मूल अमेरिकी जीते जागते इंसान ना होकर किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हों। 1988 में 58 वर्षीय फेन को पता चला कि उन्हें किडनी का कैंसर है और वे 3 साल से ज्यादा नहीं जियेंगे, सो उन्होंने मुर्गी के अंडों के आकार वाले सोने के टुकड़ों समेत कुल $1 मिलियन कीमत वाले अपने कलेक्शन को किसी म्यूजियम में दान देने के बजाय एक पीतल के बक्से में रखकर खजाने की तरह जमीन में कहीं गाड़ने की सोची। पर किस्मत से 1993 तक उनका कैंसर ठीक हो गया और फिलहाल ये प्लान उनके 80वें जन्मदिन तक के लिए टल गया। 17 साल बाद जब वो दिन आया तो उन्होंने 10x10 इंच के उस 40 पाउंड के बक्से को रॉकी पर्वत पर 5,000 फीट की ऊंचाई पे कहीं गाड़ दिया। जाहिर है बिना सुराग किसी भी खजाने की खोज नामुमकिन सी है। सो फेन ने 24 लाइन की एक कविता लिखी जिसमें बक्से को ढूंढने के सारे सुराग मौजूद थे। ये कविता उन्होंने अपनी किताब द थ्रिल ऑफ द चेज में छापी और दुनिया को भनक लगते ही खजाने की तलाश शुरू हो गई। फेन के खजाने की तलाश न सिर्फ कठिन बल्कि जानलेवा भी साबित हुई। एक बूढ़े आदमी का मजाक जल्द ही एक सीरियस खोज में बदल गया। खजाने के रहस्य को सुलझाने के लिए इंटरनेट पर तरह तरह के ब्लॉग, मैसेज बोर्ड और फोरम, यहाँ तक कि एक यूट्यूब शो भी शुरू किया गया। पर नौसिखिए जासूसों के लिए बनाए गए इस खेल ने जनवरी 2016 में एक भयानक मोड़ लिया। 54 वर्षीय रैंडी ब्लू खजाना ढूंढते वक्त लापता हो गए और 6 महीने बाद न्यू मैक्सिको की कोचीटी झील के किनारे उनका शव मिला। खजाने को ढूंढने के चक्कर में अब तक कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद भी फेन खजाने का पता बताने को तैयार नहीं है। न्यू मैक्सिको के पुलिस चीफ ने भी इस खोज का अंत करने के लिए उनसे खूब सिफारिशें की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फेन का कीमती खजाना आज भी बियाबान पहाड़ियों में कहीं दबा हुआ है। फेन दावा करते हैं कि कुछ लोग तो खजाने के 200 फीट से भी ज्यादा नजदीक आ गए थे, पर आज तक कोई भी उसे साक्षात देख नहीं पाया। असल में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 80 साल के उस बूढ़े ने पीठ पर भारी बक्सा लादकर पहाड़ पे चढ़ाई की, फिर भी हर नई मौत के साथ दाव बढ़ता जा रहा है। मेरे हिसाब से तो फेन की कहानी मनगढ़ंत है, पर लोग कहां सुनने वाले हैं। जीडीज एंड द लैंड ऑफ टा। कुछ देर के लिए दुखद मौतों से हटकर एक सिंपल से रहस्य की बात करते हैं। जीडीज एंड द लैंड ऑफ टा, ये कहानी शुरू होती है 21 जून 2017 को, जब कॉमेडियन नेट फर्नाल्ट ने ट्विटर पर ये फोटो डाली। नेट पुरानी पिन से इकट्ठा करने की शौकीन है, पर इस वाली ने उनका ध्यान खींचा। ये कैरेक्टर कुछ खास लुक या पहचान वाला ना होकर भी जाना पहचाना सा लग रहा था। उस वक्त गूगल पे जीडीज सर्च करने से 0 रिजल्ट प्राप्त होते थे, जिससे लगा शायद ये पिन यूं ही बना दिया गया हो। पर हैरानी की बात है कि नेट को ईबे पर ऐसे और भी पिन मिले और जल्द ही उनके पास इसका पूरा कलेक्शन था। चलो ये तो साबित हो गया कि जीडीज को बड़े पैमाने पर बनाया गया था, पर कोई भी सेलर ये नहीं बता पाया कि आखिर ये आया कहां से था। खैर ट्विटर पर अपनी खींच जाहिर करने के बाद नेट ने हार मान ली। फिर 1 अगस्त को किसी ने नेट के ट्वीट पर जीडीज से जुड़े एक दूसरे आइटम के बारे में रिप्लाई किया, एक स्टिकर शीट। द लैंड ऑफ टा नाम की इस शीट में जीडीज के अलावा और भी बहुत से कैरेक्टर्स थे। जल्द ही इंटरनेट पर 2 और स्टिकर शीट प्रकट हुईं। एक में थी विमन ऑफ टा, जिनके लिए शायद पुशअप ब्रा पहनना कंपलसरी था, और दूसरी शीट में थे दानव और राक्षस। इससे तो यही लगता है कि द लैंड ऑफ टा 80 के दशक की कोई हिट कार्टून कॉमिक बुक या वीडियो गेम फ्रेंचाइजी रही होगी। जी नहीं, गलत। गूगल ट्रेंड एनालिसिस बताते हैं कि नेट के ट्वीट से पहले कोई भी जीडीज या लैंड ऑफ टा सर्च नहीं करता था। जल्द ही इंटरनेट पर और भी लोग जीडीज के जाने पहचाने होने का दावा करने लगे। बस कोई ये नहीं जानता था कि ये आया कहां से। क्या ये मंडेला इफेक्ट का नतीजा था? क्या इंटरनेट पर किसी फर्जी फ्रेंचाइजी की तारीफें की जा रही थी? और सबसे जरूरी बात कि जीडीज है क्या? आज 3 साल बाद भी इन स्टिकर्स के बारे में कोई पक्का दावा नहीं किया जा सकता। बस इतना पता है कि इन्हें डेनिसन या वर्तमान में एवरी डेनिसन नाम की एक ग्लू कंपनी ने छापा था, पर उन्हें भी इनके ओरिजिन के बारे में कुछ पता नहीं था। पर डेनिसन पिन नहीं बनाती थी, सो जीडीज पिन को पक्का किसी दूसरी कंपनी ने बनाया था। पिन बनाने में स्टिकर से भी ज्यादा खर्च हुआ होगा, सो अगर ये फेमस नहीं था तो पैसे क्यों खर्च किए गए? इतने कैरेक्टर्स में से सिर्फ जीडीज का ही पिन बनाया गया, तो जाहिर है कि उनमें से ये खास रहा होगा। पर स्टिकर शीट में इसे कोई खास जगह नहीं दी गई। इस रहस्य में जवाब से ज्यादा तो सवाल खड़े हो रहे हैं भाई।
जिनमें सबसे ज्वलंत है कि क्या आपको जीडीएस के बारे में कुछ याद है। केटी अपने 2018 में YouTube ज्वाइन किया और मुकबंग वीडियोस पोस्ट करके अपनी फॉलोइंग बढ़ाई। इन वीडियोस में वे ढेर सारा सी फूड खाकर दिखाती थी, पर कोई नहीं जानता कि कैट है कौन। उनकी प्रोफाइल पिक भी यूं ही इंटरनेट से ली गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है, शायद उसे प्राइवेसी पसंद हो, पर इंटरनेट के जासूसों की माने तो सच आपका दिल दहला देगा। कैट की पहचान पे सवाल खड़े होने से पहले उनके वीडियो पर भी उंगलियां उठी, जैसे कि वो कभी बात नहीं करती और वीडियो में सिर्फ उनके चबाने की ही आवाज आती है। कैट अपना पूरा चेहरा ना दिखाकर हर वीडियो में आई मास्क पहनती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 21 जून 2019 को उन्होंने एक वीडियो डाला जिसमें उनके हाथों और होठों पर चोट के निशान थे। उससे पहले की वीडियोस में ये चोटें कहीं नजर नहीं आ रही थी। उस वीडियो में वे अचानक से बाउल की कगर को टैप करने लगी। लोगों ने कहा कि वे मोर्स कोड के जरिए मदद मांग रही थी। इससे एक ही नतीजा निकल रहा था कि किसी ने कैट को बंधक बना रखा था और जबरदस्ती भूखा रखने के बाद व्यूज के लिए उन्हें ढेर सारा खाना खाने के लिए मजबूर करता था। थ्योरी भले ही थोड़ी सी अजीब लगे, पर कैट की चिंता करने वाले लोगों द्वारा इकट्ठे किए गए सुराग उसी तरफ इशारा करते थे। कैट की वीडियोस फेमस होने लगी और नेट पर सेव कैट या हैशटैग भी चला। हजारों इंटरनेट जासूसों ने इस मुद्दे पे अपनी राय दी। वीडियो में कैट अकेली दिखती थी, पर लोगों का मानना था कि कमरे में कोई और भी होता था। एक वीडियो में जब वो कुछ ज्यादा ही तेजी से खाने लगी तो मेज झटके से हिली, जैसे किसी ने लात मार दी हो। कुछ लोगों ने तो वीडियोस में खाओ, जल्दी करो और तेज ऐसी आवाजें भी सुनने का दावा किया। कैट वीडियो में कुछ ना बोलकर कैप्शन का सहारा लेती थी, पर इससे रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया। जरा देखिए तो सही, कैसे इस कैप्शन में कुछ कैपिटल लेटर्स यूज किए गए हैं। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि लेटर्स SOS कह रहे हैं? जाहिर है कि कैट द्वारा इन इल्जामों का जवाब देने का वक्त आ गया था, और जवाब आया भी, पर उस तरह नहीं जैसा लोगों को उम्मीद थी। कैट ने एक पिंड कमेंट के जरिए मोर्स कोड और बंधक बनाए जाने की बातों को खारिज कर दिया, पर लोग नहीं माने। उनका कहना था कि कमेंट कहीं से कॉपी किया गया, क्योंकि उसमें हर चीज थर्ड पर्सन में लिखी थी। जैसे अभी तक घटना कम अजीब थी जो कैट ने 2 महीने बाद मैं जिंदा हूँ टाइटल का एक वीडियो डाला। कैप्शन में ढेर सारे लेटर्स होने के बावजूद सिर्फ 4 ही लेटर्स कैपिटल थे, हेल्प। अब यहाँ से चीजें अजीब होना शुरू होती हैं। लोगों को पता चला कि शनिवार 13 अक्टूबर 2018 को 16 साल की कार्ली ग्यूज कैलिफोर्निया से अचानक गायब हो गई। इसका कैट से क्या संबंध था? इंटरनेट डिटेक्टिव्स ने पाया कि कैट की शिन, नाक और स्माइल बिल्कुल ग्यूज की तरह थी। ये तो बंधक वाली थ्योरी पर एकदम फिट बैठता है, सिवाय एक दिक्कत के। कैट का पहला वीडियो ग्यूज के गायब होने से 6 महीने पहले अपलोड हुआ था। 10 नवंबर 2019 को कैट का आखिरी वीडियो आया जिसमें खाते वक्त उनका एक दांत टूट जाता है, फिर भी वो खाना जारी रखती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और ना ही जरा भी खून निकलता है। लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि वे ब्लूमिया की शिकार हैं और लगातार उल्टी करने की वजह से उनके दांत सड़ रहे थे। वीडियो के अंत के कैप्शन में उन्होंने कहा, इस निवाले को खाने के बाद मैं चैन से मर सकती हूँ, और उसके बाद वे यूट्यूब से हमेशा के लिए गायब हो गयी। आप क्या कहते हैं, क्या लोग यूं ही परेशान हो रहे थे या कैट को सचमुच कैद में रखा गया था? वेब ड्राइवर टॉर्सो। अब बात करते हैं एक ऐसे ही दूसरे रहस्यमय YouTube चैनल की जिसने व्यूअर्स को हैरान परेशान करके रख दिया। चैनल का नाम भले ही भयानक लगे, पर इसका कंटेंट बड़ा सिंपल है। सफेद बैकग्राउंड पे नीले और लाल ब्लॉक्स और बीच बीच में बीप की आवाज। ये चैनल 2013 में शुरू हुआ और जल्द ही इस पर ऐसे 80,000 से ज्यादा वीडियो इकट्ठा हो गए। अजीब बात यह थी कि वीडियो बहुत जल्दी जल्दी अपलोड हो रहे थे, कभी कभी तो पिछले अपलोड के 20 सेकंड के अंदर। ज्यादातर वीडियोज लगभग 11 सेकंड के थे, पर पूरे 25 मिनट की बकवास का ये वीडियो मेरा फेवरेट है। इंटरनेट की जनता में खबर फैली तो लोग सवालों के जवाब ढूंढने लगे, इस चैनल के पीछे कौन या क्या है, और किसी के पास इतना खाली समय कैसे हो सकता है भाई। लोगों ने एक से बढ़कर एक थ्योरीज बताई, जैसे कि ये एक एड कैंपेन है, ये खुफिया कोडेड मैसेज है, या एलियन हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। पर सच इतना सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते। चैनल के मालिक की तलाश नाकाम रही, पर सॉफ्टवेयर टेस्टर इसोल वर्गस ने वीडियोस को पहचान लिया। वे ऐसी वीडियोस एक ऑटोमेशन कॉन्फ्रेंस में पहले देख चुके थे। ब्रिटिश फर्म यूव्यू ने तेजी से वीडियो अपलोड करने का तरीका दिखाने के लिए इन्हें अपलोड किया था, पर कहानी में एक ट्विस्ट है। वेब ड्राइवर का यूव्यू से कोई संबंध नहीं था। इंटरनेट पर जैसे जैसे बात फैलने लगी, लोगों को इन वीडियोज में और भी अजीब बातें नजर आने लगी, जैसे एकदम अलग से दिखता है ये आइफल टावर। फिर एक ऐसा सुराग मिला जिससे लोगों को यकीन हो गया कि बात और भी गहरी है। TMPRKRL85 टाइटल वाले वीडियो को देखकर कोई भी पहचान जाए कि ये तो एक एस्टली का डांस है। वेब ड्राइवर ने तो पूरे इंटरनेट को पोपट बना दिया भाई, सीधे सीधे चुनौती दे दी। इस पजल को क्रैक करने का क्रेडिट इटालियन ब्लॉगर सुजेटो वेंट्यूनो को जाता है। लंबी खोजबीन के बाद उन्होंने पता लगाया कि ये अकाउंट YT अपलोड टेस्ट पार्टनर टॉर्सो नाम के एक नेटवर्क का हिस्सा था।
इस नेटवर्क से जुड़े गूगल प्लस अकाउंट के जरिए वेंटुनो गूगल एम्प्लॉय मैटी ग्रूबर के फेसबुक पेज तक पहुंचे। आईफिल टावर वाले वीडियो के कमेंट्स में भी मैटी का जिक्र था। बस खेल खत्म। गूगल ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि वे यूट्यूब की अपलोड क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए इस चैनल को यूज करते हैं। ना कोई एलियन, ना ही CIA का कोई रहस्य, बस गूगल द्वारा किया गया एक मजाक। क्या आप भी इंटरनेट के किसी ऐसे ही रहस्य के बारे में जानते हैं जो कि मुझे भी देखना चाहिए? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।